हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस स्टॉक से रिलेटेड है, इस एक और आईटी स्टॉक से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर अभी टीसीएस के Q2 के रिजल्ट आए थे। ओके, तो मैंने आपको 3 स्टॉक्स तो बताया, बट एक स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। ऐसा स्टॉक जो कि शायद आपको 1 महीने के अंदर अंदर या कुछ दिन के अंदर अंदर आपको 20 से 40% के रिटर्न दे सकता है। ऐसे स्टॉक्स देखिए मैं बताता रहता हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको जानने हैं तो आप हमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें पिंग करिए, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड जानकारी ले लीजिए। बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, बहुत सस्ते प्राइस पे आपको बेहतरीन स्टॉक्स बताए जाते हैं, जो कि आपको ऐसे लेवल पे बताए जाते हैं कि आप वहां पर आप खरीदेंगे और आपको थोड़े बहुत टाइम में बेहतरीन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरीके की स्टडी आप हम करते हैं और आपको बताते भी हैं, यहाँ भी बताते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स वहां पर भी आपको रिकमेंड किए जाएंगे। तो आइए वीडियो में चलते हैं, जानते हैं उस स्टॉक से रिलेटेड, चार्ट ऑफ द वीक भी कहेंगे हम इसे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करनी है। आप प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए, आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ पर कल भी स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई है, बहुत सारी चीजें। और यहाँ पर देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी हमने, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो। यहाँ पर देखिए स्विंग ट्रेड, यहाँ पर 10 से 20% का प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा 1 वीक में। तो देखिए 10% का रिटर्न हमें मिल चुका है 1 वीक में, नहीं 2 दिन के अंदर अंदर, 2 से 3 दिन में ही मिल गया है। तो इस चीज के रिलेटेड वीडियो आती रहती है, तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर कॉन्टेक्ट करिए। तो इस वीडियो में लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्टॉक से रिलेटेड। इस स्टॉक का नाम क्या है? इस स्टॉक का नाम है रामको सिस्टम। रामको सिस्टम करता क्या है, उससे रिलेटेड हम जानेंगे, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे, बट उससे रिलेटेड हम जाने सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कुछ पैरामीटर, कुछ न्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए 52 वीक हाई की बात करें, 785 पे ये शेयर गया था, 5 नवंबर 2020 को ये 210 रुपए पे शेयर इसका 52 वीक लो है, और इसी के आसपास ये शेयर आ रहा है, जा रहा है, बार बार घूम रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 46% की यहाँ पर डिलीवरीज भी उठाई गई है। यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो देखिए 27 अक्टूबर को इसके रिजल्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27 अक्टूबर को यहाँ पर इसके रिजल्ट भी है। और भी यहाँ पर अगर चीजों की बात करें तो 2014 में राइट इशू आया था। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, 54% की यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक, यहाँ पर इन पर्टिकुलर कंपनी में हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। और यहाँ पर बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड, तो इस कंपनी के अगर हम बिजनेस के रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट भी जाएंगे। तो देखिए ये एविएशन, एरोस्पेस एज वेल एज बात करें डिफेंस में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो अभी एक आईपीओ आया था, आपने पारस डिफेंस का नाम सुना ही था। ओके, वो भी एरोस्पेस से रिलेटेड ही कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और वो स्टॉक्स किस तरीके से बूम हुआ था आपको भी पता है, और ये भी स्टॉक उसी तरीके से बूम पहले हो चुका है। ईआरपी की बात करें तो यहाँ पर ईआरपी के बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट प्रोडक्शन फाइनेंस में, एज वेल एज बात करें ग्लोबली पेरोल एंड एचआर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो और भी कुछ चीज यहाँ पर आपको जाननी है तो यहाँ पर इन कंपनी से रिलेटेड लॉजिस्टिक एसेट सेंटर, सर्विस सेंटर, ईआरपी, एविएशन में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, जो कि हम देखती है यूएस ड्रोन्स वगैरह में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, थोड़ा समझने की जरूरत है। पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पर इनके पार्टनर भी देख सकते हैं, फर्नीचर बिजनेस, यहाँ पर देखिए फोर्स मल्टीप्लाई ग्रोथ, यहाँ पर फाइंड अ पार्टनर, पार्टनर विद अस, यहाँ पर अगर जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें इनके बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर पता चलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं इनके पार्टनर्स तो ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, हिटाची, अमेजोन वेब सर्विसेज, मजार, मतलब जितनी बड़ी कंपनीज है ना, TCS, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सब के लिए ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। थोड़ा यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये सारे के सारे आईटी कंपनी एज वेल एज दिग्गज कंपनी वर्ल्ड की, इनके लिए कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर देखिए रामको सिस्टम इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेयर हैविंग टेनेंट क्लाउड एंड मोबाइल बेस्ड इंटरप्राइजेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। कंपनी इज अ पार्ट ऑफ रामको ग्रुप और हेडक्वार्टर चेन्नई में हैज अराउंड 1800 प्लस एम्प्लॉयज है, अक्रॉस 24 ऑफिसेस ग्लोबली यहाँ पर इनके है। यहाँ पर रामको ईआरपी 40% है, द प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और बहुत सारी चीज इस कंपनी से रिलेटेड कि कहाँ कहाँ से इनके पैसे, इनके रेवेन्यू आता हुआ जनरेट होता हुआ दिखाई देता है, जियोग्राफिकल कहाँ होता है, क्लाइंट्स अगर देखे DLF, यहाँ पर सारे के सारे डाबर, स्टैंडर्ड, चार्टर, हनीवेल, ये सारे के सारे इनके R&D रिसेंट यहाँ पर फोकस किस किस चीज पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, वो सब चीज यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा बात करें
कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो 1472 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। P44 का पी है और डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं, 10% की डेट है, ज्यादा डेट भी नहीं है। आरओसी आरओई यहाँ पर 15.8% का है और ₹10 की फेस वैल्यू है इसकी। और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की बात बताऊं तो देखिए, यहाँ पर दिग्गज इन्वेस्टर बात करें, कौन दिग्गज इन्वेस्टर, यहाँ पर दिग्गज इन्वेस्टर है अपने विजय केडिया सर। उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी थी ₹75 पे और यहाँ पर ये शेयर उस टाइम ये कितना ₹800 ₹750 तक गया जाता हुआ दिखाई दिया और अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत ज्यादा नीचे है। तो इस चीज को समझिए, ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए भी इसे ये आपके पैसे को 100% करके दिखा सकता है। तो अगर देखिए पिछले 5 साल में 18% के CAGR से पैसा बढ़ा रहा है, जो कि अच्छी बात है। ईयरली बेस क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी, एक साइड बेस जोन में यहाँ पर आई, फिर दोबारा अच्छा परफॉर्मेंस किया और अभी दोबारा साइड बेस जोन में ही काम करती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी घाटे से यहाँ पर प्रॉफिट में है, हाइएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया इस 2020 में पैंडमिक में, फिर दोबारा कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा घाटा यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। यह तो हो गया कंसोलिडेट। स्टैंड ऑलोन की बात करें तो स्टैंड ऑलोन में भी यहाँ पर देखेंगे थोड़ा घाटा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से ये कंपनी अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा शेयर भाग रहा था और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो गिरता हुआ नजर आया, बट कोई इशू नहीं है। बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, 10 साल में 3 गुना कंपनी हो चुकी है सेल्स के मामले में। नेट प्रॉफिट घाटे से यहाँ पर प्रॉफिट में आना शुरू हो गया, एटलीस्ट 44 करोड़ का हाईएस्ट एवर तो नहीं, बट यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे, बोरिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर इनको एक अच्छा इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा इनका बचेगा, नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट की, 369 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कैश की बात करें 2 करोड़ का कैश है। यहाँ पर अगर बात करें कैश फ्लो अच्छा खासा है, यहाँ पर जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 54.45% की। FIIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, DIIs की बात करें जो FIIs ने कम करी है, DIIs ने उठा लिया, बल्कि ज्यादा उठा ली है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आ रही है, 35% की हिस्सेदारी है। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर विजय कृष्णलाल केडिया, मतलब विजय केडिया सर, यहाँ पर देखिए पहले हिस्सेदारी यहाँ पर ली थी उन्होंने, तो 1.75 रुपए पे यहाँ पर शेयर उठाया था उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पर देखिए रिजल्ट भी करा है, बट उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, कम नहीं करी है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब ऐसे दिग्गज इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उन्हें नजर आ रहा है कि वैल्यू, तो ये शेयर आराम से बहुत जल्दी यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ करके दिखा सकता है। और अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक एक दायरे में शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल, सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो देखिए ये शेयर आपको ₹420 तक नीचे आ सकता है। ओके, ये लास्ट सपोर्ट लेवल है। पहला सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं, पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पर नजर आता है 400, इसी के आसपास यहाँ पर सपोर्ट है ये समझ लीजिए। तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे जाना है इस शेयर के लिए आई डोंट थिंक सो अच्छी बात भी रहेगी, और मुश्किल ही है यहाँ से नीचे जाए। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो जा भी सकता है, बट रिजल्ट से पहले, स्विंग ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं तो रिजल्ट से पहले शायद ये स्टॉक आपको भागता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्यों अगर हम बात करें लास्ट टाइम इस स्टॉक को मैंने यहाँ पर पकड़ा था और ये आपको बताते हुए दिखाया था, अगर यहाँ पर अप्रैल में, उसके बाद अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने आपको कितने लगभग 40% के रिटर्न देते हुए नजर आया था, 40 से ज्यादा, ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया था। अगेन जैसे कि हमारी स्टडी है और हम हमेशा देखते भी है कि कुछ पैरामीटर, कैसे किस तरीके का पैरामीटर, ये पैरामीटर देखिए, ये शेयर पहली बात तो अपने ऑल टाइम हाई से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, ऑल टाइम हाई से यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 62% नीचे। ओके, और अभी रिसेंटली से बात करें तो लगभग 40% नीचे है, पहली बात। दूसरी बात बात करें, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, कह सकते हैं कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है छोटा सा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कप विद हैंडल पैटर्न, यहाँ पर एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये एक कप बना, कप बनने के बाद यहाँ पर हैंडल बना और ये शेयर इस तरीके से ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस तरीके से टारगेट है, बट टारगेट के लिए कंपनी के रिजल्ट भी आने जरूरी है। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो ये टारगेट फिर अचीव नहीं होते, इस चीज को भी याद रखिए। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए तो एक से शायद एक क्वार्टर के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा अचीव कर ले। कंपनी के रिजल्ट ना अच्छे नहीं आए तो यहाँ पर गिरता हुआ भी दिखाई दे सकता है, बट कंपनी के रिजल्ट से पहले जिस लेवल पर ये स्टॉक चल रहा है ना, किस लेवल पर ये 200 DMA के नीचे स्टॉक चल रहा है, ये 46 के RSI पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर से 20 से 30% के रिटर्न
ओके आपको इजीली यहाँ पर बना के दे सकता है। ओके इसे आई डोंट थिंक सो कोई यहाँ पर रोकने वाला भी है। यहाँ पर देखिए ये तो 50% दिखा रहा है, मैं आपको यहाँ पर 30% भी देख ले, 30% भी नहीं 20% भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 600 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्विंग ट्रेड के पर्पज से एक महीने के लिए अगर ये 20% के रिटर्न भी मिल गए मेरे लिए तो बहुत है एटलीस्ट। और अगर अच्छे रिजल्ट आ गए तो ये यहाँ पर सीधे भागते हुए नजर आएगा और ये 800 रुपये का लेवल पहला यहाँ पर टच करेगा और फिर उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 1000 रुपीज के आसपास, फिर ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। और फिर जो इसके टारगेट नजर आएंगे ना अगर इसके अच्छे रिजल्ट आ गए तो यहाँ पर देखिए एक कप विद हैंडल पैटर्न तो ये बन रहा है अच्छा वाला बड़ा वाला, ये कप और ये हैंडल, और ये इसके बाद जब चीजें निकलेगी तो आपके जो टारगेट है ना वो 1500 से ज्यादा 1500-2000 के लगभग बनते हुए नजर आएंगे। बट इतने लंबे टारगेट अभी बात नहीं करेंगे, रिजल्ट आएंगे उस टाइम हम देखेंगे। बट अभी की बात करूं तो स्विंग ट्रेड के पर्पज से एक महीने के अंदर अंदर इसके रिजल्ट से पहले पहले ये शेयर यहाँ पर 20% तक की यहाँ पर मूव दिखा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए और 20% के रिटर्न आपको अगर मिल जाते हैं तो एक बेहतरीन बेट रहेगी। तो बैंक सेलिंग के रिलेटेड कोई भी यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है, हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरी वीडियोस को जाकर यहाँ पर देखना है, हमसे कांटेक्ट करना है, ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो हमें भी यहाँ पर पिंग कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। सो शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।